राज्य स्वास्थ्य समिति ब्लॉक नगरोटा सूर्या के अंतर्गत सिविल अस्पताल जवाली में अनुबंध कर्मचारियों डॉक्टर पूजा प्रिया, डॉक्टर मुनीश धीमान, डॉक्टर मुक्ता चौधरी, श्रीमती शालिनी शर्मा, श्रीमती रंजू बाला, श्रीमती शालिनी राणा, श्रीमती सुमन बाला ने आज शुक्रवार को काले बिल्ले लगाकर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं दी। जिला संयुक्त सचिव शालिनी शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य स्वास्थ्य समिति अनुबंध संघ के कर्मचारियों ने सरकार को 26 जनवरी तक रेगुलर स्केल की मांग को पूरी करने का अल्टीमेटम दिया था। इसमें स्थायी नीति बनाने की अधिसूचना जारी करने की मांग रखी गई थी, लेकिन सरकार ने उनकी इस मांग को लेकर कोई घोषणा नहीं की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी हम सभी कर्मचारियों ने ईमानदारी के साथ कोरोना वॉरियर के रूप में बढ़ चढ़कर भाग लिया और दिन रात अपनी ड्यूटी निभाते रहे, लेकिन सरकार ने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अब यह जो हड़ताल है वह लगातार जारी रहेगी, जब तक इसका कोई समाधान नहीं होगा, कोई पॉलिसी नहीं बना जाती, तब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे। सर, हम ये जो हमारी नेशनल हेल्थ मिशन है इसमें और अलग अलग सोसाइटीज़ हैं हमारी नेशनल हेल्थ मिशन में, हम लोग 23 साल से अपने यहाँ काम कर रहे हैं और आज तक हमारी कोई भी स्थायी पॉलिसी नहीं बनी है, ना ही हमें कोई रेगुलर पे स्केल या कुछ इसके लिए हमने ये काले बिल्ले लगाए हैं। और ये हमारा जो है ये 27 से लेके 1 तक ये चलेगा और उसके बाद हमने 2 तारीख को जो है वो सांकेतिक जो स्ट्राइक है वो उस पर बैठेंगे हम लोग। और ये जो है हमारे अभी हम मतलब काम हम कर रहे हैं पर ये हम ब्लैक रिबन लगा के अपना रोष प्रकट कर रहे हैं कि हमारे जो कोई भी 23 सालों से कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं हुई है और गवर्नमेंट ने हमारा मतलब कोई भी हमें कोई बेनिफिट नहीं आज तक मिला है 23 सालों में, तो इसलिए हम ये ब्लैक रिबन लगा के अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। हमने कोविड में मतलब कोरोना वॉरियर्स बन के हर मतलब हर फील्ड में, जहाँ वैक्सीनेशन हो या टेस्टिंग की बात है, हर हमारे NHM के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और ये जो 2 फरवरी की जो ये स्ट्राइक है इसको ये हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जो अगर गवर्नमेंट हमारी मांगों को नहीं मानती है तो ये हम कंटिन्यू करेंगे जब तक कि ये हमारे जो हमारे ये पॉलिसी फ्रेम जब तक नहीं होती है तब तक हम ये कंटिन्यू करेंगे, जब तक गवर्नमेंट हमारी मांगों को मान नहीं लेती है। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए जवाली से राजेश कौंडल की रिपोर्ट।